एक तोता बहुत लंबे समय से पिंजरे में रह रह कर तंग आ चुकी थी। वह खुला आकाश में उड़ना चाहती थी। बहुत प्रयत्न करके आखिरकार तोता पिंजरे से उड़कर बाहर जंगल में आ पहुंची। तोते को जंगल का वातावरण बहुत पसंद आ गया। हर रोज तरह तरह के मीठे फल खाती थी। पगली जैसी उछलती फिरती जंगल के चारों ओर घूमती थी। अपना जीवन बहुत खुशी खुशी बिताने लगी। एक दिन तोते को एक बड़ा पेड़ के नीचे सोता हुआ एक हाथी दिखाई पड़ी। उसे ऐसे देखते ही तोते को एक नटखट उपाय आया। चाहे जो कुछ भी हो, वह हाथी को परेशान करके उसे नींद से जगाना चाहिए। बहुत तेजी से पेड़ के ऊपर से नीचे आई, अपने चोंच से हाथी की सूंड पर चुभी। उस चोट से हाथी जाग गई, आंखें खोल कर देखी। तोता पेड़ के ऊपर जाकर हंसने लगी। हाथी नाराज होकर कही, अरे तोता क्या परेशानी है? तोता ने जवाब दी, मजाक है मेरे दोस्त। हंसने लगी। हाथी को कुछ फर्क नहीं पड़ा, आंखें बंद करके फिर से सो गई। कुछ देर बाद तोता फिर से नीचे हाथी के पास आकर दोबारा उसको परेशान की और तुरंत वहां से उड़कर पेड़ के ऊपर चली गई। हाथी गुस्से से चिल्लाई, अरे तू फिर से आ गई, क्या कुछ काम नहीं है क्या? लेकिन तोते को यह बहुत मजाक लगा। बार बार ऐसी शरारतें करने लगी। हाथी तंग आ चुकी थी, कुछ करना नहीं चाहा, वहां से उठकर चली गई। तोते को और मजा आ गया। फिर से एक और बार तेजी से जाकर हाथी को अपने चोंच से छुबी। हाथी क्रोधित हो गई। कुछ ना कुछ तो करके उस तोते को सबक सिखाने का निर्णय ली। हाथी एक तालाब के पास गई, अपने सिर को छोड़ बाकी का पूरा शरीर पानी में डुबाई। इसको देख तोते को बहुत मजा आया। वह सोची, अरे देखो मेरे से डरकर हाथी पानी में जाकर छिप गई। खूब हंसने लगी। फिर से तोता वहां जाकर हाथी के ऊपर बैठ गई। हाथी को छुपाना चाहिए। हाथी को पता था कि तोता आएगी, इसलिए उसने पहले से ही अपने सूंड में पानी भर कर रखी। तोता छुपने ही वाली थी, इतने में हाथी ने पानी को झटके से तोते पर झोंकी। तोते को बहुत जोर से लगा, तालाब में गिर गई, जान के लिए तड़प रही थी। हाथी को तोते पर दया आकर उसको पानी से बाहर निकालकर जमीन पर फेंक दी। तोते ने हाथी से क्षमा मांगी, उसको बहुत अच्छा सबक मिला। हाथी जोर से हंसकर वहां से चली गई। अब तोते को बड़ों और छोटों के बीच अंतर पता चल गया।